غالب کے مومن کے خوابوں کی دنیا مایا Since the Dhaba timings were shortened last semester, and this has been happening over the course of, I guess, several years, they've been shortening and shortening the Dhaba times. But since they were finally shortened to 11 p.m., I kept having these conversations with people. People kept having conversations with each other. कि चलो ढाबा खुलते हैं और थोड़ा मतलब मजाक के तरह ये सब बोल रहे थे. But then Swati and I were talking one day and we were like, wait, let's just actually open a dhaba. गुरेला का मतलब क्या है हिस्ट्री में देखो गुरेला क्या है गुरेला इज डिराइव फ्रॉम अ स्पैनिश वर्ड गुरा गुरा आई डोंट नो हाउ कैसे प्रोनाउंस करते उसका मीनिंग की वॉर वॉर भी जब इट्स अ वॉर स्ट्रेटजी इज अ रिवॉल्यूशनरी वॉर थिंग लाइक हिस्ट्री में भी देखो इंडिया में हो लैटिन अमेरिका में हो कहीं भी चीज गुरेला तो शुरू किया था ये गुरेला वॉर कैसे रिवोल्ट करते हैं कोई स्टैंडिंग जो पावर है उसके अगेंस्ट जाने क्योंकि पावर के लोग अगेंस्ट ऐसे नहीं जा सकते कि हम बोल दे वो मान दे ऐसे नहीं होता हमें लेना पड़ता है तो ये लेने का रिवोल्यूशनरी तरीका है एक तो यही दिखा रहे गुरिल्ला ढाबा अभी जब गुरिल्ला ढाबा हम बोल रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि हम मूवमेंट है एक लिविंग मूवमेंट है ये जो एडमिन का तरफ से हमारे ऊपर जो जैसे बर्बरताव है उसके तरफ उसको दिखाने के लिए कि हम नहीं डरते और हम लड़ेंगे अपने हक के लिए अपने राइट के लिए जीने का कल्चर बचाने के लिए हम लड़ेंगे ढाबा सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं बल्कि वो एक अट्रैक्शन वो एक रिलेशन डेवलप करने का एक हमारा जो इंटेलेक्चुअल रिलेशन इंटेलेक्चुअल रेस जेजेस जो हैं कॉन्शियस वे में वे आगे बढ़ती हैं इन चीज़ों को डेवलप करने में और ख़ुद को पढ़ने में और लोगों को जानने में जो चीज़ें मदद करती हैं वो इन ढाबों से हासिल होता है और बाकी ढाबों पे क्या है हम जाते हैं चाय पीते हैं वो चाय बेच रहे हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ चाय बेचना नहीं है बल्कि एक कंट्रीब्यूशन है जो हम यहाँ पे इस कल्चर को आम करने के नाम पे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और इसको खुद इनिशिएटिव लेके हमने इसे शुरू कर दिया है कि हम ताकि उस चीज़ को रिवाइवल कर सकें और जिस चीज़ के लिए हमें रोका जा रहा है ये कोई गलत चीज़ नहीं है बल्कि एक माहौल है जिसकी क्रिएशन से जिसके बनाने से हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें हासिल होती हैं हम क्लासरूम में जाते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं जिससे एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है और नेशन बिल्डिंग में भी ये चीज़ें काम आती हैं करना हो तो ढाबा इज़ अ वेरी ओपन स्पेस अगर किसी को कुछ भी आके रिसाइट करना है या गाना है एवरी नाइट आई थिंक गौरव वगैरह तो वैसे भी डफली लेके गाने रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स गाते ही हैं इट्स अ वेरी ओपन हाउस आई थिंक अगर किसी को भी आके कुछ भी परफॉर्म करना है या शेयर करना है एवरीवन इज़ वेलकम और एक दिन तो स्पॉन्टेनियसली ऐसा हुआ था कि कोई एक स्टूडेंट मतलब अभी उन्होंने PhD सबमिट किया है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने PhD के बारे में शेयर करना चाहता हूँ अभी मैंने तो हाँ ऐसे ही बैठ गए और एक सेशन शुरू हो गया 10-15 लोग बैठे हैं उनके इनके तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उनके थीसिस के बारे में तो रेफ्यूजी क्वेश्चन इन ईस्ट इंडिया के बारे में उनका थीसिस था तो उन्होंने उसके बारे में सब बातचीत किया क्वेश्चन रहे डिस्कशन रहा took a decision to travel to a forest
matter. One thing I love that I think is like a great story for how I find the space is really creating a sort of place of creativity. Well, I was just here one night and turned around and there was someone with a gorilla like monster mask with a sign that said JNU VC doing this fantastic monologue. Like it was just like came and they were doing this fantastic like street play, totally ad-libbing the street play, and I had no idea who it was, and they were just here talking to people, like acting, I mean in totally in character, like acting, which was hilarious and like so creative and made me feel really really happy that like such a space exists. I mean, we shouldn't be too self-important. Also, there are spaces like this all over campus. People will make art and they'll say poetry and they'll meet their friends. People are great at doing this no matter what the circumstances are. But it's great to feel like there's some kind of energy toward more creative political expressions right now on the campus. And it's good if the Dhaba can be part of that. Like, the idea is that, I mean, this isn't a business, right? This isn't a capitalist enterprise. It's not like someone is the boss. It's working on a rotating system. So basically, every week we have a couple people who are coordinating with Dhaba. So they handle the inventory, the cash, they keep it, they just make sure the scheduling is happening, the people are coming. Just sort of keeping an eye out on these broader ideas. And then every night different people come and make chai. And they're responsible to bring the saman, they're responsible to make the chai, to hand the chai out, to clean up at the end of the night. Another component is everyone who comes and drinks chai actually is expected to contribute in some way to the labor of running the Dhaba, because we don't use paper cups, we use glasses. So once you drink your tea from the glass, you have to wash the glass and you have to put the glass back. So the idea being that you can't just come, give your money like a transaction, take your chai, throw your cup out, expect someone else to do the work and go back. Because at JNU we talk a lot about communism, but we still expect ki dhiri aur bhaiya apne hamare garbage clean karenge ya hamari plates wagera wash karenge mess. So thoda sa ye sab teedi jo hai practice mein bhi lana chahiye. And I think creating that sense of community responsibility is also really important to move. वैसे आज तक तो हम यही strategy follow कर रहे हैं कि जैसे कि अगर कल को आप जैसे मानो सिमोन दी आएगा बोलिंजर करने, वो अपना नाम दे कि एग्नेस दिया होती मुझे बोलिंजर करना है, तो हम इसके नाम ऐड कर देंगे, बता देंगे सबको कि आज ये बना रही है, तो ये उसका अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके फिर हम अपडेट कर देंगे कि कल से हमारे पास क्या बचा हुआ है, दूध चीनी ये कुछ बचा हुआ है और कुछ खरीदना है, जो खरीदना है वो लिख देगा, तो ये वो खरीद के लाएगा पहले दूध चीनी या चाय पत्ती या अदरक या बिस्किट्स, ये खरीद के लाएंगे, फिर उसे हम जो कल कलेक्ट किया बीटा हुआ कल में जो कलेक्ट किया है उसमें से उसको कंपेंसेट कर देंगे, फिर बनाएंगे चाय। आपने भी देखा होगा हम कभी चाय में 5 रुपये या 10 रुपये का टैग में रखा है, आपको दे आप जितना दे सकते हैं और जितना देने मन है दिल में, जो दिल से जो देने दिल है वो दे, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे वो 0 रुपये हो, चाहे वो 100 रुपये लाइक, तो वो कंसेप्ट में चल रहा है, कंट्रीब्यूशन के बेसिस में चल रहा है। You have to go and raise an ARA, you have to go and submit a petition, you have to go and do a blockade, and all of these things are important political actions. Like, there's no question about their importance and their necessity. But I think that sometimes, if we're making a feminist critique,
then we can say that there are certain kinds of labor, there are certain kinds of work that are necessary to movements which aren't so glamorous. It's very glamorous to go to the front of, you know, break the barricade and put your fist up and raise an arda and all of this. It's not so glamorous to, you know, a bunch of people say at this at the CBI wala protest, made biryani and brought the biryani. That's very important work. Someone has to feed the movement. But it's not the kind of work that's going to be in the front page of the newspaper. And historically in movements, that work has often been taken up by women, or it's been taken up along caste lines. So also thinking about labor in that sense and thinking of what is it to make food or make chai or make a space which has a sense of community. University सिर्फ क्लासरूम और लेक्चर्स तक ही महदूद नहीं कभी भी रहा है और मैं जेएनयू में तकरीबन 10 साल से यहाँ पे हूँ और अगर आप मुझसे पूछिए तो जेएनयू इसलिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं या फिर अरावली के ऊपर यूनिवर्सिटी बनी हुई है और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं इसलिए मैं नहीं समझता ये सारी चीज़ें अहमियत रख सकती हैं लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की डाइवर्सिटी यहाँ विविधता यहाँ पे भारत के और विदेश से भी लोग आए हुए हैं उनके साथ आप मिलते हैं और जो एक तंग नज़री जो आपकी होती है एक जो बहुत ही नैरो माइंड जो आपके अंदर में इनबिल्ट सोसाइटी करता है वो जब यहाँ पे आते हैं जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं दुनिया और भी आगे है लोग और भी तरीके से सोचते हैं ये जेएनयू की बड़ी खुसूसियत है JNU is a quite progressive space historically and a comfortable space for women, but we have problems. And one shouldn't underplay those problems. It's not just that. Obviously now the administration is making a concerted attack, I believe, on the rights and mobility of women students on this campus. But even without the administration, sexual harassment is an issue here, as it's an issue everywhere. Gendered forms of discrimination are an issue here, as they're an issue everywhere. And I think a lot of these issues were sort of under the surface. मतलब हम सबको ऐसा लगता था कि problems हैं, मगर हम लोग बोल नहीं पाते थे कि हमको harassment हो रहा है, या फिर हम किसी male student से डरते हैं, या कोई हमारे पीछे कर रहा है ऐसे। मतलब एकदम खुले में ये बातचीत नहीं हो रहा था। I think because it was assumed कि हाँ GSCASH है हम gender justice के नारा लगाते हैं तो gender justice आ गया and one blessing in disguise I think from this administrative assault on the women students is that these questions of gender in the past couple months on campus have actually taken center stage in a way I've not seen before on JNU so the administration has taken action like unilaterally attempting to dispel the GSCASH these hostel raids which are unprecedented in their scope and unprecedented in the sort of intensity and securitization with which they're doing and which specifically censor or specifically seek to morally police women. So I often stay at my center until quite late studying, using the library, reading, this kind of thing. And I'll walk home by myself to Buena. And historically I've never really felt uncomfortable doing that. Because the stretch between, say, the library and Koina, in the middle of that there was 24/7 Dhaba and Sabarmati Dhaba, and there were always people there. And you can hear their voices from as far as the admin block and all of this. So you know ki mere ko agar kuch ho jaye, koi bula sakta. And since the Dhabas were closed, suddenly the space was totally dark after 11 p.m. and totally empty after 11 p.m. And I felt uncomfortable on the campus or fearful on the campus in a way I hadn't before. Dhaba sirf hum log khane ke liye nahi hai, wahan pe hum log socialize bhi karte hain, baith ke political discussions bhi hota hai, aapas mein baat cheet bhi karte hain. Ek mahol rehta hai campus mein, jaise ki unhone kaha ki late night ladke library se aa rahi hai, kahin ja rahi hai, to wo ekdam khali sadke bhi अभी तो संडे का वक्त आ रहा है और भी सुनसान हो जाएगी सड़कें इस टाइम पे अगर एक ढाबा गुरिल्ला ढाबा अगर चल यहाँ पे है जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव वाद विवाद का होना ये एक अलग सी चीज़ है और ये होना चाहिए वाद भी हो और विवाद भी हो इसमें एक रिलेशन डेवलप होता है तो उस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए और सेपरेटिज्म के नाम पे और चीज़ों को यगानगत करने के लिए उनको अलग करने के लिए हमें लोगों से दूर भगाने के लिए
तो इसलिए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं कायम की जाती है। और ये सब चीज़ें ढाबा कल्चर या प्रोटेस्ट ये सारी सब चीज़ों से हम सीखते थे, लेकिन जिस तरह से जो पिछली हुकूमत इस देश में काबिज है वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें फरोग हों, क्योंकि एक तरह की विचारधारा, एक तरह की सोच, एक तरह का रंग, एक तरह की ज़ुबान, एक तरह की भाषा वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, और जो तनाव है, जो डाइवर्सिटी है, उसके दुश्मन है। तो ये प्रोटेस्ट, ये कल्चर, ढाबा कल्चर, डिबेट, डिस्कशन, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी की अलामतें हैं, और यही अगर मिट जाती हैं तो फिर हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी कहीं खो सी जाती है। उसी आइडेंटिटी की तलाश में ये ढाबा खोला गया है, और अब तक उसकी तलाश जारी है, और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक के एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को पॉइंट ना करे कि आखिर तलबा क्यों उठ के आए और ढाबा खोलने पे मजबूर हो गए, ऐसी कौन सी परेशानी उन्हें लाहिक हो रही है, कौन सी परेशानी दिक्कत हो रही है उन्हें कि वो ढाबा खुद खोलने पे मजबूर हो गए। फाइनली वक्त आ गया, हम अपने मामले ले जाएंगे आगे सबके साथ। एंड वी एज वुमेन हैव पावर टू क्लेम द स्ट्रीट्स फॉर आवरसेल्व्स, एंड दैट वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन यू नो कन्विंसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू परमिट अस टू डू समथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली like they're not here primarily for the students' interest, they're not here primarily for the women students' interest. Not at all. I mean, it certainly was not something that goes with the spirit and the politics of Guerilla Dhaba, and we understand that people who experience the last time they talk about it. So we decided that tonight we won't let this be a space that we just come talk among our friends and leave. So if we can just sit around, and that's why we moved this here, कि हम इसके चाय के पास बैठे और इस स्पेस को किस तरह से हम यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे एक दूसरे से इंटरेक्शन अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एंड वॉट इज इट दैट वी वॉन्ट टू इमेजिन दिस स्पेस टू बी, बिकॉज सम ऑफ अस हैव थॉट अबाउट दिस, बट वी थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट दिस मोर among all of us, because what happened last night made us think that the people who are coming here are not really sharing the space. Ab chhodiye aakash mein nare uchhalna